जैसे कि मैंने कहा, चाहे गठबंधन में हो चाहे ना, इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है और विधानसभा चुनाव को भी पूरी तरह से लड़ने के लिए सक्षम है। हमने प्रदेश के अंदर जनता की सरकार बनानी है और उसके लिए हम किसी भी तक तक कहीं तक भी मेहनत करनी पड़े हम करने के लिए तैयार है। बीजेपी भी चुनावी मोड में आ रही है और अजय चौटाला ने कल घोषणा कर दी भिवानी से, या तो खुद लड़ेंगे या दिग्विजय लड़ेगा, तो इन दोनों पार्टी की बात करें तो कौन भिवानी से चुनावी जो लोकसभा चुनाव में दावेदार होगा? सबसे पहली बात तो चौधरी अजय सिंह जी को कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कानून में थोड़ी दिक्कत होगी कि वो खुद नहीं लड़ सकते, और रही बात वो किसी को भी लड़ा ले तो आज ये मैं नहीं कहता, आज तो हरियाणा का बच्चा बच्चा कहता है कि भाई इनको तो देख के कोई राजी नहीं, ये किसको लड़ाते हैं किसको नहीं लड़ाते इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट की, तो हमारे जो फैसले हैं वो कोई हाईकमान से नहीं लिए जाते, हमारे फैसले हमारे प्रदेश के जिले के जो कार्यकर्ता है वो लेने का काम करते हैं। भिवानी लोकसभा के हमारे कार्यकर्ता मिलकर जो फैसला लेंगे हम उस फैसले को मानने का काम करेंगे। उन्होंने अभी जो टाणा जी की निशाना साधा था कि एमसी भी नहीं है टाणा में, सीएम की बात कर रहे हैं, तो इस बात को इस बयान को किस प्रकार ले? जैसे कि मैं आप सभी को कह सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आज इनकी बात को कोई मानता थोड़ी है, आज ही तरह तरह के कितने बयान कर ले इन बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चौधरी अभय सिंह जी जहां पर भी जाते उनका स्वागत होता है, लोग उनको अपने घर बुलाते हैं, लोग उनको चाय पिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये आज गांव गांव फिर रहे हैं, इनको कोई रोटी देने वाला नहीं है, इनकी कोई कुर्सी डालने वाला नहीं, तो ये किस तरह से बात कर सकते हैं? इन बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो विरोधी है, इन्होंने तो बात इस प्रकार की करनी है। हम केवल और केवल संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अपना संगठन है, उनकी अपनी चीज है, लेकिन आज एक चीज मैंने देखी कि कांग्रेस संगठन की अगर बात करें तो आज सारे देश के अंदर जिस प्रकार से पिछले चुनाव गए, 3 बड़े राज्यों के अंदर जिस प्रकार से चुनाव हुए, आज एक चीज देखने को मिलती है कि कांग्रेस को विकल्प के तौर पर आज कोई नहीं देखता। चाहे राजस्थान की बात करो, चाहे मध्य प्रदेश की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, इन्होंने बड़े दावे ठोके थे कि भाई आइन की सरकार बनेगी। कहा एक तरफ आज भी देश के लोग बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस को कहीं राज के अंदर देखना चाहते हैं। आज प्रदेश के लोग रीजनल पार्टीज की तरफ दोबारा वापस बढ़ने का काम कर रहे हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, चीन से आम आदमी पार्टी को कहां? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कहां है? इनके जो थे पदाधिकारी छोड़ के चले गए, कौन चलाएगा बदलाव यात्रा? इनकी चलाने वाला भी तो थी इनको, आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ नहीं बचा।